साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। प्रस्तुत है अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम पूज्य आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा आचार्य श्री परम पूज्य श्री आचार्य स्वामी भगवतानंद जी महाराज के वरद कृपा पात्र शिष्य हैं और पूज्य आचार्य जी के मुख से अभी तक 780 कथाओं का वाचन हो चुका है। आइए श्रवण करें महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा। खड़े होके कहते रहो जी, काहे के लिए आदमी बन गए? इन्हें आदमी बनना चाहिए, जब इन्हें इतनी गुंजाइश नहीं है कि 150 किलोमीटर कह दें तो पत्थर फिर भी अच्छा है कि सड़क पे खड़े होके बोल तो रहा। दिल्ली 150 किलोमीटर, तो आदमी है, इन्हें आदमी बनना चाहिए। आजकल मानवता ही नहीं दिख रही है साहब। एक सज्जन को प्यास लगी, कपड़ा बेच रहे थे, पोटली बांध के नहीं, कपड़ा गांव में बेचते, पोटली बेच रहे थे, प्यास लगी, साइकिल खड़ी कर दी, ऐसे हाथ जोड़ के कहा, गरीब आदमी बेचारा, ऐसे हाथ जोड़ के कहा, देखना मेरी तरफ बता रहा हूं, बाबूजी प्यास लगी है, चले आते हैं, प्यास लगी है, प्याऊ है, धर्मशाला है, चले आते हैं, यहां प्यास लगी है। कोई धर्मशाला है, प्याऊ है, हैं क्या है? बाबूजी प्यास लगी है। अरे प्यास लगी है, ये भले आदमी का मकान है, कोई प्याऊ थोड़ा ही है। उसने मन में सोचा, कहा भले के लक्षण तो यही दिखाई दे रहे, अब एक गिलास पानी की गुंजाइश ना हो, काहे के भले समझो, अब गरीब आदमी लेकिन बैठ गया वही दुकान द्वारे ही बैठ गया। थोड़ी देर हवा खाता रहा, थोड़ी देर में उसने फिर कही, कह बाबूजी प्यास लगी है, कोई आदमी आने तो पानी पिलवा देंगे, फिर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने फिर कहा, कह बाबूजी प्यास लगी है, समझते नहीं हो तुम, बार बार वही बात, मना कर रहे हैं तुमको, मना थोड़ी कर रहे हैं, अरे कोई आदमी आने तो पानी पिलवा देंगे। उसने कहा, बाबूजी तुम बुरी न मानो तो हम एक बात कहें। हाँ कहो। कोई आदमी आएगा तो पानी पिलवा दोगे? बोले हाँ, अगर थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। समझ गए आप लोग ने? अरे थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, जिंदगी भर जानवर ही बने रही हो, लेकिन हम आदमी बनना ही नहीं चाहते बता। अरे तुम एक गिलास पानी पिला दो तो कोई जानवर हो जाओगे, किसी के काम आ जाओ ये कोई, अरे भाई किसी की सेवा करो, इससे बड़ा दुनिया में और कोई यज्ञ नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई यज्ञ है तो उसका नाम सेवा। इसका क्या नाम है? श्रीमद् भागवत कथा। फिर आगे क्या लिखते हैं आप पर्चे में? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ है कि नहीं यज्ञ? अब कोई हमसे पूछे कि आचार्य जी यज्ञ ये कैसे माना जाए? यज्ञ में तो आहुति होती है, कुंड बनता है, देखो तिल चावल जौ की आहुति डाली जाती है कुंडी में, और ज्ञान की आहुति डाली जाती है मुंडी में, तो जितनी मुंडी उतनी कुंडी। हम भी यज्ञ ही तो कर रहे हैं, सोचो ना, हम भी तो ये ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं ना, उसमें एक कुंड होता है, इसमें तो कुंड का हिसाब ही नहीं, जितनी मुंडी उतनी कुंडी, हर एक कुंड में आहुति डाल रहा हूं कि साहब कहीं ना कहीं कुछ तो प्रवेश कर जाए, कुछ तो आपको मिल जाए। इसके बाद में फिर पृथु भगवान ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, प्रचेताओं ने रुद्र गीत का उपदेश किया, राजा पुरंजन की कथा सुनाई, और यहां पर भागवत के 4 स्कंद पूरे हुए। 5वें के पहले अध्याय में प्रियव्रतो भागवतः आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवा। महाराज प्रियव्रत जी उत्तानपाद के भाई हैं और सदैव घर में रहे और इन्हें वैराग्य हो गया। क्या घर में रहने पर वैराग्य हो सकता है? ये एक प्रश्न है। घर में रहने पर वैराग्य हो सकता है, ये एक प्रश्न खड़ा हुआ, हो सकता है। देखो भाई, घर में रहना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन घर को अपने में रख लेना ये बुरी बात है।
अब कभी कभी ज्ञान की भी बात सुनो भाई, अब अपने मुंह से बोलो फिर समझ में आ जाएगा। हम देखेंगे कितने लोग नहीं बोल रहे हैं, बोलना है, बोलो। मिला है, मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। फिर बोलो। घर मकान दुकान बेटा बेटी ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मिला है। अगर ये ध्यान में जिंदगी भर रहे तो कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये हमें सब मिला है, इसमें मेरा नहीं है। ये समझने वाली बात है। फिर दोबारा समझो, नाव का पानी में रहना ठीक है, नाव पानी में रहे। अच्छा, पानी कहने लगे हम नाव में रहेंगे, तो इसी तरह तुम घर में रहो। अगर घर ही तुम्हारे भीतर रहने लगा, घर घर घर, तो ये नाव डूब जाएगी, क्योंकि ये सब हमें मिला है, मेरा नहीं है। फिर बोलो एक बार, हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है, हमारे लिए है, हमारा नहीं है, हमारे लिए है। ये व्यासपीठ हमारी नहीं है, हमारे लिए है, बैठेंगे हम ही, लेकिन हमारी नहीं है। इसी तरह घर हमारे लिए है, हमारा नहीं है। बेटा बेटी हमारे लिए है, हमारा नहीं है। ये हमारे लिए है, हमारा नहीं है। बस आई, बस मैनपुरी जा रही थी, आपने हाथ दिया और तुरंत खड़ी हो गई, हाल ही बैठ गए, रुई मंडी के सामने बैठ गए, तुरंत पशु बाजार रुई बैठ गए आप, और बस चलने लगी। अब आपने बस वाले से कहा, ए ये बस हमारी है, तो उसने दो थप्पड़ दिए, रेलवे क्रॉसिंग पे उतार दिया। तुम्हारी है, पागल आदमी है। अच्छा, फिर आप उससे ये कहने लगो, ए भैया हाँ बस हमारे लिए है, तो वो कहेगा, बैठो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी लिए, तुम्हारी नहीं है। इसी तरह ये संसार में सब हमारे लिए है, हमारा नहीं है। इतना आपको कैसे कोई समझाएगा। अब पूरा दिमाग हम खाली करते हैं साहब, इसीलिए कथा का मतलब समझ में नहीं आए तो फिर कथा किस बात की। आपके समझ में आ जाए तभी हमारे आने का मतलब है। इतना प्रयास किया मनोज बाबू ने, पिछले साल भी बहुत लगा प्रयास किया कि गुरुजी समय दे दें, समय हम नहीं दे पाए। अब की बार में संयोग बन गया तो समय दे दिया। इसीलिए तो आए हैं कि एक बार जब आप भागवत के इस कथा रस को पी लेंगे ना, फिर आपके समझ में आएगा कि कथा का मतलब क्या है। कथा का मतलब थोड़ी कि वो चिमटा लेके कूद पड़े तो कथा होगी, कोई नौटंकी थोड़ी है कि तो कथा है। इसमें तो एक एक विषय पे चर्चा करनी है, एक एक चरित्र को समझना पड़ेगा ना साहब। तो हम इसीलिए आए हैं कि एक बार कथा समझ लो क्या है। आइए, जिंदगी का अर्थ समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर सुन लो। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुम्हें को आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मौत से बाहर निकलना पड़ेगा। जय हो। एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी है ये दो दिन का सपना, ढूंढ ले कोई महबूब अपना, ये जवानी अगर ढल गई तो उम्र भर हाथ बदलना पड़ेगा। ये जवानी अगर
तो उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। ये किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये है, ये जीवन का खेल है। तो प्रियव्रत जी घर में रहे, घर को अपने में नहीं रखा। घर में रहना बुरी बात नहीं है, घर को अपने में रख लेना बुरी बात है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। त्याग मजबूरी का नाम नहीं है। कोई कहने लगे कि हम बड़े त्यागी हैं, त्याग का मतलब मजबूरी नहीं है। एक आदमी कह रहा था कि हमने घर त्यागो, हमने गांव त्यागो, हमने जमीन त्यागी और हमने घर वाले त्यागे, हमने कहा ब्याह हुआ था, बोले भाव नहीं तो हमने मजबूरी कहो, ये मैं त्याग का है जब तुम्हारे कछु है ही नहीं, त्याग दिखाए रहे हो तो त्याग दो, तो माने त्याग। त्याग कोई जबरदस्ती की बात है, मजबूरी की बात नहीं, त्याग का मतलब कुछ और है। जैसे एक आदमी हमसे कह रहा था, आचार्य जी दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान आज तक कोई हमें हरा नहीं सका। हमने कहा इतने कमजोर लग रहे हो और धक्का मारे तो गिर पड़ोगे, तुम्हें कोई हरा ही नहीं सका। बोले ना, दुनिया के बड़े से बड़े पहलवान आए, आज तक कोई नहीं हरा सका। तो मैंने कहा क्यों नहीं हरा सका, बोले आज तक हम किसी से लड़े ही नहीं। अब बताओ ये हमें कौन सा प्रमाण पत्र मिल रहा, जब तुम लड़े ही नहीं तो काहे को कोई हराएगा। तो मतलब समझिए भाई, तुम्हें मिला नहीं है तो उसका त्याग कैसा। त्याग उसका नाम है जिसमें ये है त्याग की बात। मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं, मैं हूं ज्वाल फिर भी मैं जलता नहीं हूं, मैं हूं ज्वाल फिर भी मैं जलता नहीं हूं, मैं हिमशैल हूं पर पिघलता नहीं हूं। जीवन इसका नाम है। बर्फ का पहाड़ हो पिघले नहीं, है ना, अग्नि का ज्वाल हो फिर भी जले नहीं। जीवन में सब कुछ मिला हो इसके बाद भी उसके जीवन में सबके प्रति निराशा हो, तब तो त्याग माना जाए। है ही नहीं तो उसको त्याग थोड़ी कहा जाएगा। प्रियव्रत जी ने रथ के पहिया की लीक से 7 समुद्र खोदे। इन्होंने कहा मैं रात को दिन बना दूंगा, लेकिन ये काम प्रियव्रत जी कर नहीं पाए। इंटरमीडिएट के इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, बीए की सोशल साइंस में भी है, आवश्यकता और इच्छा। आवश्यकताएं सीमित हैं, इच्छाएं असीमित हैं। आवश्यकता की पूर्ति संभव है, इच्छा की पूर्ति संभव नहीं है। ये इनकी इच्छा है न कि आवश्यकता है, तो ये काम नहीं हुआ। इसके बाद इन्हीं की पावनी वंश परंपरा में आग्नेन्द्र का चरित्र है, नाभि ऋषभदेव जी महाराज हुए, जिन्हें जैनी लोग अपने धर्म का प्रवर्तक मानते हैं, और उनके महाराज श्री भरत जी महाराज, जिनके 100 बेटों का वर्णन है। भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम हो गया भारत। भा माने ज्ञान, रत माने भरा हुआ, ज्ञानियों से भरा हुआ होने के कारण इसका नाम भारत रखा गया। अब जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, भरत जी के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। इसके पहले इस देश का नाम क्या था, अजनाब खंड। आप नोट कर सकते हैं, प्राचीन हिस्ट्री में आपको मिलेगा अजनाब खंड, फिर इसका नाम भारत हुआ। इन भरत जी के 9 भाई साधु हो गए, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र दुमिल चमस्कर भाजन नवा भवन महायोगी योगी हो गए। भरत जी ने गंडक नदी पर संन्यास लिया, एक हिरण के बच्चे के प्रेम में फंस गए, और एक दिन वो हिरण का बच्चा इन्हें छोड़ के चला गया, और ये हिरण के बच्चे के वियोग में रोने लगे और रो रो करके मर गए, और मर करके इन्हें हिरण बनना पड़ा।
तो एक मृगा के कारण भरत धरी मृग देह, और तुलसी उनकी का गति जिनको सबसे नेह। भरत का हिरण में प्रेम हो गया, इन्हें हिरण बनना पड़ा। कुरंग मातंग पतंग भ्रंगा मीना हरता पंच भिरेब पंचो एका प्रमादी सकथम हन्यते, इनमें एक एक विषय होता है। अब यहां थोड़ी बहस करेंगे हम आप लोगों से, तैयार हो जाइए मोइली खेड़ा वाले, महुआ हार वाले हैं, सुन लीजिए। बहुत बहुत दूर दूर के श्रोता बैठे हैं, भोगाओं के बहुत श्रोता आए हैं, एक बहस करनी है आपसे हमको। हिरण के बच्चे को पालना ये धर्म है कि अधर्म? जीव पे दया करना धर्माचरण की अधर्म? जल्दी बोलो, टाइम नहीं है हमारे पास। धर्म है तो इन्होंने धर्म का पालन किया, हिरण क्यों बना दिए गए? देखो भाई, धर्म हमेशा धर्म नहीं रहता है, अधर्म हमेशा अधर्म नहीं रहता है। धर्म अधर्म बन जाएगा, अधर्म धर्म हो जाएगा। आइए हम आज आपको उल्टी तरफ से पढ़ाते हैं, उल्टी तरफ से पढ़िए। आप जिसे बोलेंगे अधर्म, हम आपके सामने उसको धर्म सिद्ध कर देंगे। लीजिए उल्टी तरफ से सुनिए। गोली मार देना भी धर्म है, गाली देना भी धर्म है। गाली देना धर्म? हाँ। काम भी धर्म है, क्रोध भी धर्म है, लोभ भी धर्म है। आप कहेंगे कैसे कह रहे हो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, भागेंगे नहीं, यहीं बैठे रहेंगे ना, भागने वाले ब्राह्मण नहीं है, बिल्कुल पक्के यहीं बैठे रहेंगे। सुनो, एक एक बात पे बहस करेंगे आपसे। काम भी धर्म है? हाँ। कैसे? अपनी पत्नी में काम भाव रखना ये गृहस्थी का धर्म है, पराई पत्नी को उस दृष्टि से देखना अधर्म है। तो क्रोध भी धर्म है? हाँ। अपने शिष्य पर, अपने अपनी पत्नी पर, अपने सेवक पर क्रोध करना स्वामी का धर्म है, पड़ोसी पर क्रोध करना अधर्म है। तो लोभ भी धर्म है? हाँ। कब लोभ धर्म है? घर गृहस्थी चलाने में लोभ करना गृहस्थी का धर्म है, और कोई जग भागवत करे फिर लोभ करे तो अधर्म है, उस समय लोभ नहीं करना चाहिए। भाई भागवत तुमने कराई क्यों? इसीलिए तो कराई है ना कि उसमें तो उदारता पूर्वक खर्च करिए, उसमें लोभ नहीं करना चाहिए, गलत हो जाएगा। अच्छा, अब और देखिए ध्यान से। गोली मार देना भी धर्म है, तो गोली मार देना किसका धर्म है? हम मार दें, आप मार दें, 302 लगेगी सजा, फांसी। तो गोली मारना किसका धर्म है? BSF का जवान गोली चला दे, ब्रिगेडियर बना दिया जाएगा। वो थोड़े ही जम्मू कश्मीर में कहेगा कि अहिंसा परमो धर्म, वो तो तड़ातड़ मारो जितने मार पाओ। उसके लिए मारना ही धर्म है, हमारे लिए क्षमा करना ही धर्म है। अलग अलग एंगल से पढ़िए, एक ही एंगल से आपने क्यों पढ़ा है, सोचिए ना। गाली देना भी धर्म है, गाली हम दें आप दें अधर्म है, तो गाली देना किसका धर्म है? अच्छा, चोर पकड़ा जाए और दरोगा अगरबत्ती जलाए के पूछे कर्पूर गौरम करुणा बतारम, तो कब कहे दे रहो? वो के दूसरे ही मंत्र पढ़ना पड़ेगा, वो तो अपने मंत्र पढ़ेगा, सोई वो कह देगा कि साहब करी है चोरी, उसके लिए धर्म है, उसको ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ाया गया। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम, नहीं करणीयम नहीं करणीयम, शुद्ध हो लोक विरुद्ध हो जाए अधर्म मान लिया जाएगा। जैसे डॉक्टर और डाकू, नहीं डॉक्टर साहब बुरा नहीं मानना, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूं। नहीं, वैसे आप लोगों को क्या लगता है? आप लोगों को जो लगता हो, मैं अपनी बात कह रहा हूं, डॉक्टर और डाकू हमें दोनों बराबर ही लगते। अच्छा, आप ना मानो तो हम सिद्ध कर दें। डॉक्टर के नाम के नीचे लिखा जाता है विख्यात, और डाकू के नीचे कुख्यात, एक जैसे अक्षर लिखे होते हैं। अच्छा, और देखो क्या, डाकू को, डॉक्टर को इनाम दिया जाता है और डाकू पे इनाम घोषित किया जाता है। अच्छा, चीर फाड़ दोनों करते हैं, छुरी दोनों चलाते हैं, रक्त दोनों गिराते हैं। अच्छा, और देखो, दोनों के नाम की राशि एक ही है, और देखो दोनों का मतलब भी राशि से ही है, मरे जिए चाहे कोई। इशारे में देखो तुम, सब तरह से मिल जा रहा मामला, एक ही जगह फंस गया। कहां? डॉक्टर समाज का सबसे सम्मानित आदमी है और डाकू समाज का उपेक्षित व्यक्ति है।
तो जब चीर फाड़ दोनों करते हैं, छुरी दोनों चलाते हैं, रक्त दोनों गिराते हैं, तो अंतर कहां आया? एक जगह अंतर आया, डॉक्टर छुरी का प्रयोग करता है और डाकू भी छुरी का प्रयोग करता है, लेकिन डाकू छुरी का प्रयोग किसी की जान लेने के लिए करता है और डॉक्टर छुरी का प्रयोग किसी को जान देने के लिए करता है। इसलिए डॉक्टर समाज का सम्मानित व्यक्ति है, उसका सम्मान होता है, क्योंकि उसने छुरी तो चलाई है लेकिन किसी को जान देने के लिए उठाई है ना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नहीं करणीयम, शुद्ध हो और लोक विरुद्ध हो जाए तो अधर्म मान लिया जाएगा। राम नाम सत्य है, बोलो ना जल्दी, है, बोला करो आप लोग, राम नाम सत्य बड़ी बढ़िया बात है, बोलिए कि आप लोग रोज बोला करो, दिन भर बोला करो। अच्छा, किसी के लड़का की बारात जा रही हो, सोई बोल दियो, सोई तुम्हें समझ में आए जाए, फिर नहीं कहोगे कि मनोज अवस्थी की भागवत सुनने गए थे। अरे तुमने होश में नहीं सुनी, मनोज अवस्थी जिम्मेदार है। राम नाम सत्य है, लेकिन यो थोड़े कि वो मोर बांधे ठाड़ो, तुम कह रहे राम नाम सत्य, बराती इतो मारे हैं तुम्हें ठीक कर दिए, हाले एक मिनट में कथा उतर जाएगी तुम्हारी। अरे होश में सुनिए ना, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम। देखो साहब, किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं होता है, उसे समसामयिक ज्ञान होना चाहिए, कहां कब कैसे कौन सी चीज धर्म है, कहां कब क्या अधर्म है। बस ये तो देश काल परिस्थिति पे निर्भर करेगा ना। हम लोग वहां भी कथा करने जाते हैं जहां शिमला में ठंड पड़ती है, जहां ऋषिकेश में सर्दी होती है, जहां बद्रीनाथ में सर्दी होती है, वहां भी कथा करने जाते हैं। और वहां अगर हम जजमान को ये बोले कि जजमान सवेरे 4 बजे नहाना है, तो बोलो जजमान का क्या होगा? 4 बजे अगर उसने नहाया तो कथा का भंडारा बाद में होगा, जजमान पहले ही निपट जाएगा। वहां थोड़ा ही उसको बोलेंगे, वहां बोलेंगे गर्म पानी कर लो भाई, 12-2 बजे जब इच्छा हो थोड़ा स्नान करना है, वहां -डिग्री पारा होगा, सोचिए। तो एक ये थोड़ा ही केवल तुमने किताब पढ़ ली तो सब कुछ हो गया। समसामयिक पता, हम लोग दुनिया भर में क्यों बुलाए जाते हैं? इसीलिए कि हमें पता है कहां कब कैसे क्या कौन सी चीज का प्रयोग करना है, इसलिए ध्यान देते हैं ना। आइए फिर उसी जगह लौट के आइए, हिरण की योनि में जाना पड़ा, हिरण की योनि से छुटकारा मिला, अंगिरा गोत्री ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, 8 भाई हैं, सबसे छोटे यही हैं, बचपन में मां बाप मर गए, भाइयों की शादी हो गई और इनको बोलते हैं जड़ भरत, जड़ माने मूर्ख, कोई इनका आदर नहीं करता है। और एक दिन इनसे कहा कि खेत रखाओ, धान का खेत रखाने गए, अब इन्हें मालूम नहीं खेत कैसे रखाया जाता है, पूरे खेत में चक्कर लगावे और खूब झूम झूम के गावे, राम की चिड़ैया ओ रामई के खेत, राम की चिड़ैया और रामई के खेत, चुन चुन ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुन चुन ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुन चुन ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, चुन चुन ले चिड़ैया तुम भर भर के पेट, राम की चिड़ैया और राम ही के खेत, राम की चिड़ैया और राम ही के खेत। अब किसी ने भाइयों को बोला कि वो पागल आदमी को बिठा दिया, देखो खेत खबाए दे रहा, भाई डंडा लेके आए, तेरे को बोला था खेत रखाना है, और ये क्या चक्कर है? जड़ भरत जी बोले हम खेत ही रखाएं, नाप लो कम पड़े हमारी जिम्मेदारी। भाइयों ने कहा देखो फसल चर गई, खेत रखाए, अच्छा पागल आदमी है, अरे ये कम से कम इसमें 15 मन धान होता, बताइए साझीदारी का खेत है कहां से आएगा? जड़ भरत जी ने कहा खेत को काटिए मारिए उड़ाइए, और अगर इसमें 15 मन धान ना हो तो हमारी जिम्मेदारी। भाइयों ने अपना अपना हसुआ खुरपी लिया और खेत काटने लगे, त्रनहू न जामे रहो कैसे भरत लाल देत, और कटी कटी के खेत खलिहान में आयो है, और ऊपर ते दाए दई
दाएं समझते ना दाएं, दाएं दई बरधन की बेर बेर, झोर झोर झांखरन सो ढेर सो लगायो है, फिर पवन के बेग में उड़ायो भूसा को भार, और रास पे बिहारी ने रास रचायो है। शब्द एक है अर्थ दो, रास पे बिहारी ने रास रचायो है, रास रचायो कैसा, बोले काटत उड़ावत मनोज नहीं जान परो, पतौलत में धान 25.5 मन पार, तौला गया तो 25 मन धान निकला। भाइयों ने कहा जड़ भरत जी घर चलो, जड़ भरत जी बोले नहीं, गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी, कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं, अपमान का ध्यान सदा रखना, जहां मान न हो वहां जाना। घर छोड़ दिया, जंगल में जा रहे हैं तो चोर मिल गए। चोरों ने कहा था कि अगर मेरी चोरी में जुगत लगे तो एक आदमी की बलि चढ़ाएंगे, तो उनकी जुगत लग गई। तब तक जड़ भरत जी मिल गए, बोले ए बाबा इधर आओ, पकड़ लिया ले गए मंदिर में, महाराज सिर काटना है। भद्रकाली माता ने देखा मेरे भक्त को काटा जा रहा है, माता प्रकट हो गई, सब चोरों की गर्दनें काट दी। बोलो भद्रकाली मैया की जय। खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघा छूलंग भुसुंडी सिरा, माता ने सिर काट दिए। और जल भरत से कहा, जल भरत इतना सीधा मत बनो, क्यों, दुनिया में बहुत सीधा होना यह भी गलत है। आप लोगों ने एक दोहा सुना था कि नहीं बचपन में, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। कोई दुनिया में बहुत सीधा हो यह भी दोष है। अधिक सिधायु ते बड़ दोसु, बहुत सीधा नहीं होना चाहिए। कभी भी देखो सीधे आदमी को परेशानी ज्यादा है, है कि नहीं है। कभी आपने सुना है सिंहों की बलीना चढ़ाई गई, बकरे बल बेदी चढ़ाए गए, टेढ़ों को कभी ना काटा गया, सीधों पर आरे चलाए गए। साधना गोल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सारी नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले।